ये पंसील खाइनिस का मेंटेनेंस गेट है, गेट नंबर 2। ये सहायता केंद्र बना हुआ है सारे मतदाताओं के लिए। आइए 100% मतदान का शपथ लीजिए, अपना कर्तव्य निभाइए और अपना मतदान कीजिए। ये गाड़ियां खड़ी है, जो भी कोई किसी भी तरीके से जो वहां पहुंच नहीं सकता मतदाता बूथ पे, उनके लिए गाड़ियां खड़ी है, गाड़ियां यूज करिए। लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है कि 100% मतदान हो, और ये हमारे जितने भी साथी हैं, सब विचारधारा वाले, एक विचारधारा से जुड़े हुए साथी हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि कैसे सोसाइटी का 904 जो भी 904 हमारे मतदाता है, उनका अपना मतदान सही से कर पाए। बूथ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं। तो मैं ये पूछा जाता था कि इस बार इलेक्शन में क्या है, क्या हिसाब किताब? इलेक्शन के माहौल में जो 2.5 लाख नए वोटर आए हैं, उसमें नए वोटर जो बने हैं, उनसे उम्मीद यही है कि हमारा जो भाजपा का जो मत प्रतिशत है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और डॉक्टर साहब का जो गैप है, विनिंग गैप, वो भी बढ़ेगा। तो सोसाइटी में वैसे क्या आपको क्या माहौल लगता है? सोसाइटी में माहौल हमारा 95% है, क्योंकि कोई आज तक वोट मांगने आया ही नहीं, और सिर्फ भाजपा की टीम यहाँ पे आई है बार बार, मतलब 5 या 6 बार भाजपा की टीम आई, और कोई प्रत्याशी नहीं आया, तो हम वोट कहाँ देंगे? सपा का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे? समाजवादी पार्टी यही नहीं पता, सपा की टीम से खड़ा कौन है ये नहीं पता, ना भाजपा की टीम से सपा है क्या? सपा के बारे में हमें तो पता ही नहीं कि सपा का प्रत्याशी कौन है। अच्छा सपा, अच्छा सपा बात कर रहे थे, वो सपा हो गई है, उनके प्रत्याशी है, उनकी टीम कोई हमारे यहाँ आके एक बार तो विजिट करते हैं, उनके प्रत्याशी प्रतिपक्ष कोई तो, लेकिन कोई उनकी तरफ से एक हमारे साथ यूपी में थोड़ा दूसरी पार्टी 80 में से 75 जा रही है, बाकी 5 सीट में 3 सीट में भाजपा सपा है और 1 सीट उसकी है। लेकिन एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि भाई अपना वोट पूर्ण मतदान करें, चाहे हम किसी को वोट दें, अपना वोट जरूर दें, बस नीचे आए पर्ची लीजिए और जाइए, मत दीजिए भाई साहब। अच्छा ये अच्छा ये भूतपूर्व कांग्रेसी हैं वैसे, अभी बीजेपी में वोट दे रहे हैं पिछले 20 साल से? पहला वोट बीजेपी दिया, फिर बसपा को दिया, इस बार फिर बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा, देखो सीधी बात है बता रहे हैं। बसपा को क्यों वोट दिया आपने पिछली बार? कांग्रेस को दिए थे इसलिए हम खुद के लिए मना कर रहे हैं। जिसको दो सही को दो, बस कुल मिलाकर किसी को भी वोट दो, सही आदमी को। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो यही लेके जा सकते हैं, मतदाता पर्ची से काम हो जाएगा। अच्छा, मतदाता पर्ची का जागरूक कर रहे हैं, जागरूक मतदाता, जागरूक अधिक संख्या में वोट कीजिए, और आप अपना सीरियल नंबर जिन भी निवासियों पे मतदाता पर्ची नहीं है, टावर 2 लगा हुआ है यहाँ पे बूथ, अपना पर्ची बनवाइए, मतदाता केंद्र पे जाइए, वोट दे के आइए, सिंपल एंड स्वीट, जरूर अपना ये काम निभाइए। तो यहाँ पे कुछ जगह मैं देखा बसपा के लोग भी आते रहे हैं बीच बीच में, कोई भी पार्टी की टीम आए, बस अपना मतदान जरूर करें, चाहे भाजपा आए, चाहे बसपा आए, चाहे सपा आए, लेकिन अपना वोट जरूर दे। आपके यहाँ को चुनो, इसमें आपको बताना, आपके यहाँ पे मुस्लिम मतदाता कितने होंगे? मुस्लिम, हिंदू, धर्म, ये तो जाति का छोड़िए सर, इनसे कोई लेना देना नहीं है सर, पंची लाइनिस की सोसाइटी है, आप वोट दें और आगे बढ़े, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले भाई मेरा भी बता, सोसाइटी का काम है। तो आप किसको वोट देंगे कुछ? सर मैं भारत के लोकतंत्र के लिए वोट दूंगा, सही जगह वोट दूंगा, और मैं वोट ऑलरेडी दे चुका हूँ। अच्छा किस, अच्छा वैसे कुछ किसी पार्टी के लिए मैं सर जो भी है वो सब, वैसे मूल मंत्र क्या रहेगा? विकास रहेगा मुद्दा या जातिवाद? जातिवाद मुद्दा होता ही नहीं, जातिवाद का मुद्दा वो लोग लोके चलते हैं जिनकी 2 वोटें आएंगी। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना कुछ नहीं चाह रहे, कहना ये चाह रहे हैं हमेशा विकास की बात करनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मोदी जी और अन्य दलों के जो नेता खड़े हुए हैं उनमें क्या अंतर नजर आता है? सर मोदी जी या बीजेपी या कोई भी जो पार्टियां हैं, आप सब पार्टी को अपना एक मत देखिए, अलग पार्टी जितनी भी विपक्ष में बैठी है उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भैया मोदी को हटाना है, भाजपा को नहीं लाना है। इसके अलावा उन्होंने कोई और मुंशी विषय पर बात करी, कोई भी जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन का काम क्या है, उन्होंने आज तक एक बात नहीं करी मोदी हटाओ के अलावा। नहीं तो विकास वगैरह के बारे में मोदी जी बात कर रहे हैं, विकास क्या देश में आपको लगता है विकास हुआ है देश के अंदर? आपको लगता है? देखिए मैं तो अपनी राय क्या बताऊं, मैं तो जनता की राय बताऊं, मैं तो अपनी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे आप भी जनता के एक सदस्य, आप भी अपनी राय बता सकते हैं। क्या चाहिए विकास में? विकास ही विकास, विकास बहुत कुछ हुआ, बहुत तरह के विकास हुए हैं, हर तरह से आप देखो GDP का ग्रोथ हुआ है, आपके लोकतंत्र में देखो, आपके मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप पड़ोसी की रोड मत देखना। मैं कह रहा था लेकिन लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं,
कि कौन बोल रहा है? मोदी जी ने कभी नहीं, मोदी जी कौन बोलता है? मोदी जी मनमोहन जी बोलते थे कि पहला हक उनका है। मोदी जी तो कहते हैं हमारे लिए सब बराबर, 140 भारतीय हमारे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे कहते आप कांग्रेस से हो क्या भाई साहब? मोदी जी आप कांग्रेस के बच्चे रख रहे हो? नहीं नहीं, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ। मैं तो मोदी जी ने लोगों को टॉयलेट दिया, धर्म देख के दिया। भाई हमारे लिए सब बराबर है, पूरे भारतीय भारत वर्ष के हैं। धर्म देख के सबका विकास ही देश का विकास। मोदी जी रोड पे चला रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि ये मुस्लिम की रोड है, ये हिंदू की रोड है। मोदी जी एम्स बना रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि ये मुस्लिम की रोड एम्स बना रहे हैं, हिंदू आएंगे। कभी जाके गांव में, दूर गांव में जाके लाभार्थियों की सूची देख लो, उसमें ये जाति धर्म ये सब फालतू की बात है। सब 140 करोड़ भारतीय आगे बढ़ेंगे तभी देश का विकास होगा। वही विजन हमारी सरकार। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, आप उसमें देखिए मुस्लिम कैंडिडेट कितने उसमें आए हुए हैं। ठीक है, 51 के आसपास आए, जो एक रिकॉर्ड है, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले कभी ऐसा नहीं होता, सभी को साथ में चल रहे हैं। मोदी जी का है जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है।